हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल जनता क्लास में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आज हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया था कि सर क्वेश्चन के आंसर्स को लास्ट में बताएं, तो आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊँगा, उसका ऑप्शन बताऊँगा, बट आंसर आपको खुद देना है सारे क्वेश्चन सुनने के बाद, और लास्ट में फिर इसके आंसर से आपको मैच करना है। तो मैंने इस बुक का एक्सरसाइज थर्ड लिया है जिसमें एक्सेम्पलर एंड पास्ट ईयर्स नीट AIPMT क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम, ऑप्शन ए फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव डिस्टेंस, बी फॉर्म लिंकेज फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप, सी विल नॉट फॉर्म एनी लिंकेज ग्रुप, डी फॉर्म इंटरेक्टिव ग्रुप दैट अफेक्ट द फिनोटाइप। अब करेक्ट आंसर आप खुद से देना है, जो आंसर सही हो उसे आप लिखो और लास्ट में हम आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर टू, कंडीशंस ऑफ अ कैरियोटाइप 2n+-1 एंड 2n+-2 आर कॉल्ड, ऑप्शन ए एन्यूप्लॉयडी, ऑप्शन बी पॉलीप्लॉयडी, ऑप्शन सी एलो पॉलीप्लॉयडी एंड ऑप्शन डी मोनोसोमी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेशन सोच, ऑप्शन ए अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, बी एन इनवर्स रिलेशनशिप, सी अ पैरेलल रिलेशनशिप एंड डी नो रिलेशनशिप। क्वेश्चन करने का मतलब यह है कि दो जीन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है और रिकम्बिनेशन का परसेंटेज होता है वह क्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, इफ अ जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल टू ओनली सेम ऑफ द मेल प्रोजेनी द डिजीज इज, अगर कोई जेनेटिक डिजीज ट्रांसफर हो रहा है एक फिनोटिपिकली नॉर्मल से लेकिन कैरियर फीमेल है, ठीक है, और उसी मेल प्रोजेनी में जा रहा है, तो उस डिजीज को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑप्शन बी ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑप्शन सी सेक्स लिंक डोमिनेंट एंड ऑप्शन डी सेक्स लिंक रिसेसिव। क्वेश्चन नंबर फाइव, इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाई वैलिन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड्स फॉर वैलिन, ऑप्शन ए GGG, ऑप्शन बी AAG, ऑप्शन सी GAA, ऑप्शन डी GUG। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पर्सन हैविंग जीनोटाइप IA IB वुड शो द ब्लड ग्रुप एच AB, दिस इज बिकॉज ऑफ, ऑप्शन ए प्लियोट्रॉपी, ऑप्शन बी कोडोमिनेंस, ऑप्शन सी सेग्रीगेशन एंड ऑप्शन डी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आंसर आपको देना है सारे क्वेश्चन का। आप लोग एक रफ ले लीजिए, पेन ले लीजिए, क्वेश्चन को सुनिए, उसका आंसर अपने से दीजिए और फिर लास्ट में जब मैं आंसर बताऊंगा तो उसे मैच करिए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन किस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, ऑप्शन ए है प्लेटिपस, ऑप्शन बी स्नेल्स, ऑप्शन सी कॉकरोच एंड ऑप्शन डी पीकॉक। क्वेश्चन नंबर एट, ए क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट्स रिजल्टेड इन ऑफ स्प्रिंग हैविंग फ्यू डॉर्फ प्लांट्स, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप्स ऑफ बॉथ द पेरेंट्स, दो टाल प्लांट्स के बीच में एक क्रॉस करवाया गया, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, ऑफ स्प्रिंग मिले जिसमें कुछ ऑफ स्प्रिंग क्या थे, डॉर्फ प्लांट थे, तो जो जीनोटाइप होगा दोनों पेरेंट्स का वह क्या हो सकता है, ऑप्शन ए Capital T एंड Capital T small t, ऑप्शन बी Capital T small t एंड Capital T small t, ऑप्शन सी Capital T एंड Capital T capital t, ऑप्शन डी Capital T small t एंड Small t small t। क्वेश्चन नंबर नाइन, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट 9:3:3:1 इट डिनोट्स दैट, ऑप्शन ए द एलील्स ऑफ टू जीन्स आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, ऑप्शन बी इट इज अ मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी इट इज अ केस ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म एंड ऑप्शन डी द एलील्स ऑफ टू जीन्स आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली। तो कौन सा आंसर सही है आप लोग करिए। क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन अमंग सिबलिंग्स, इनमें से कौन सा उसके सिबलिंग में वेरिएशन नहीं प्रोड्यूस करेगा, ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, ऑप्शन बी क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन सी लिंकेज एंड ऑप्शन डी म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर इलेवन, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स गुड फॉर जीन्स सिचुएटेड ऑन द, मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वह सबसे अच्छी तरह किसके लिए सिचुएट हो पाता है, किसके लिए अप्लाई हो पाता है, ऑप्शन ए है नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम्स, ऑप्शन बी होमोलॉगस क्रोमोजोम्स,
ऑप्शन सी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक एलिमेंट एंड ऑप्शन डी सेम क्रोमोजोम। क्वेश्चन नंबर 12, ओकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट द फिनोमिनन इज कॉल्ड। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, एक ही जीन एक से ज़्यादा इफेक्ट को शो करें, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है मल्टीपल एलील्स, ऑप्शन बी है मोजेसिज्म, ऑप्शन सी है प्लियोट्रॉपी एंड ऑप्शन डी है पॉलीजेनी। चलो मैं आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी होगा प्लियोट्रॉपी। जब एक जीन कई कैरेक्टर्स को शो करता है तो उसे प्लियोट्रॉपिक बोलते हैं, और जब कई जीन मिल करके केवल एक कैरेक्टर को शो करते हैं तो उसे इंटरेक्शन ऑफ जीन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ सर्टेन टैक्सॉन ऑफ इंसेक्ट्स सम हैव 17 क्रोमोजोम्स एंड द अदर्स हैव 18 क्रोमोजोम्स, द 17 एंड 18 क्रोमोजोम बियरिंग ऑर्गेनिजम्स आर। अगर हम किसी इंसेक्ट के सर्टेन एक निश्चित टैक्सॉन की बात करें तो उनमें कुछ के अंदर 17 क्रोमोजोम मिल रहे हैं जबकि दूसरों के अंदर 18 मिल रहे हैं। जो 17 और 18 क्रोमोजोम हैं ऑर्गेनिज्म, वे क्या हैं? ऑप्शन ए मेल्स एंड फीमेल्स रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन बी फीमेल्स एंड मेल्स रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन सी ऑल मेल्स एंड ऑप्शन डी ऑल फीमेल्स। क्वेश्चन नंबर 14, द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए जीन ओवर जनरेशंस एमंग ह्यूमंस इज स्टडीड बाई द पेडिग्री एनालिसिस। कैरेक्टर स्टडीड इन द पेडिग्री एनालिसिस इज इक्विवेलेंट टू। इनहेरिटेंस जो पैटर्न होता है जीन का जनरेशन में, वो हम ह्यूमंस के अंदर पेडिग्री एनालिसिस से उसकी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, करें जो कैरेक्टर हम पेडिग्री एनालिसिस के अंदर स्टडी करते हैं वह किसकी इक्विवेलेंट होते हैं? ऑप्शन ए है क्वांटिटेटिव ट्रेट, ठीक है, ऑप्शन बी मेंडेलियन ट्रेट, ऑप्शन सी पॉलीजेनिक ट्रेट एंड ऑप्शन डी मेटर्नल ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 15, इट इज सेड दैट मेंडल प्रपोज्ड दैट द फैक्टर कंट्रोलिंग एनी कैरेक्टर इज डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट, दिस प्रपोर्शन वॉज बेस्ड ऑन द। यह कहा जाता है कि मेंडल का जो प्रपोज, मेंडल ने ऐसा बोला था कि किसी भी करेक्टर को, ठीक है, फैक्टर कंट्रोल करते हैं जो कि स्वतंत्र होते हैं, यह किस पे आधारित है, किस कंडीशन पे आधारित है? ऑप्शन ए है रिजल्ट्स ऑफ F3 जनरेशन ऑफ ए क्रॉस, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशंस दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ क्रॉस मेड बिटवीन द प्लांट्स हैविंग टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सोन ओनली वन कैरेक्टर विदाउट एनी ब्लेंडिंग, ऑप्शन सी सेल्फ पोलिनेशन ऑफ F1 ऑफस्प्रिंग्स एंड ऑप्शन डी क्रॉस पोलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन विद रिसेसिव पेरेंट। क्वेश्चन नंबर 16, टू जीन्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर लिंक्ड इन ए डाईहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग दीज टू जीन्स, द F1 हेट्रोजाइगोट इज क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंटल टाइप स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग इन द नेक्स्ट जनरेशन। चलिए हमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 1:1:1:1, ऑप्शन बी 9:3:3:1, ऑप्शन सी 3:1 एंड ऑप्शन डी 1:1, आप करके दिखाना। क्वेश्चन नंबर 17, इन द F2 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स आर। F2 जनरेशन में मेंडेलियन उसमें फिनोटाइप्स कितने होते हैं, जीनोटाइप्स कितने होते हैं? ऑप्शन ए है फिनोटाइप्स 4, जीनोटाइप्स 16, फिनोटाइप्स 9 एंड जीनोटाइप्स 4, फिनोटाइप्स 4, जीनोटाइप्स 8, फिनोटाइप्स 4 एंड जीनोटाइप्स 9, कौन सा ऑप्शन सही है करिए। क्वेश्चन नंबर 18, मदर एंड फादर ऑफ पर्सन विथ ओ ब्लड ग्रुप हैव ए एंड बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके माता पिता के पास ब्लड ग्रुप क्या है, ए और बी है, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ मदर एंड फादर, दोनों मदर और फादर का जीनोटाइप क्या होगा। ऑप्शन ए मदर इज होमोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप एंड फादर इज हेट्रोजाइगस फॉर बी, मदर इज हेट्रोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप एंड फादर इज हेट्रोजाइगस फॉर बी, ऑप्शन सी बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन डी बोथ मदर एंड फादर आर होमोजाइगस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। अब हम देखेंगे नीट में 2013 से 2017 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इफ टू पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप मैरी एंड हैव सफिशियंटली लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दिस चिल्ड्रेन कुड बी क्लासिफाइड एज ए ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप इन 1:2:1। मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस रिवील्स प्रेजेंस ऑफ बोथ ए एंड बी टाइप प्रोटीन्स इन ए बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह किसका एग्जाम्पल है, दो व्यक्ति थे जिनका ए बी ब्लड ग्रुप था, उन्होंने शादी की, उनके पास पर्याप्त नंबर में क्या हुए, बच्चे हुए, ठीक है, अब उन बच्चों में उन्होंने अपने बच्चों का ब्लड ग्रुप जो था ए ब्लड ग्रुप ए बी और बी के रूप में क्लासिफाई किया और जो रेशियो आया क्या था 1:2:1, ठीक है, तो बताइए कि यहाँ पे कौन सा मेंडल का कौन सा वो लगा यहाँ पे, ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस,
ऑप्शन बी पार्शियल डोमिनेंस, ऑप्शन सी कंप्लीट डोमिनेंस एंड ऑप्शन डी को डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 20 2013 में पूछा गया है, विच मेंडेलियन आइडिया इज डिपिक्टेड बाय अ क्रॉस इन विच द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स। कौन सा मेंडेलियन आइडिया क्या है डिपिक्ट होता है क्रॉस के द्वारा जिसमें कि F1 जनरेशन दोनों पेरेंट्स से मिलता है। ऑप्शन ए लॉ ऑफ डोमिनेंस, ऑप्शन बी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ऑप्शन सी को डोमिनेंस एंड ऑप्शन डी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 21 इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स फॉर थैलेसेमिया विच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन एन अफेक्टेड चाइल्ड। अगर दोनों पेरेंट्स थैलेसेमिया से पीड़ित हों जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है तो बच्चे में बच्चा इस डिजीज से कितना परसेंट अफेक्ट हो सकता है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 100% एंड ऑप्शन डी नो चांस। क्वेश्चन नंबर 22 2013 में ही पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू ऑफ टू जीन्स दैट शो 50% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उन जीन्स के बारे में नहीं से है, दो जीन्स के बारे में जो 50% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। ऑप्शन ए द जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, ऑप्शन बी द जीन्स शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ऑप्शन सी इफ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम दे अंडरगो मोर देन वन क्रॉसओवर्स इन एवरी मियोसिस, ऑप्शन डी द जीन्स मे बी ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम्स। क्वेश्चन नंबर 23 द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू हेमोफीलिया इज, ऑप्शन ए इट इज अ रिसेसिव डिजीज, इट इज अ डोमिनेंट डिजीज, सी अ सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्वड इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड, ऑप्शन डी इट इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे अब, ये भी नीट केरला 2013 में पूछा गया था, जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन अराइजेज ड्यू टू, किस भी पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन क्यों अराइज होता है, क्यों होता है। ऑप्शन ए म्यूटेशन ओनली, ऑप्शन बी रिकम्बिनेशन ओनली, ऑप्शन सी म्यूटेशन एज वेल एज रिकम्बिनेशन एंड ऑप्शन डी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 25 विच वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस की इंपॉर्टेंस को लेकर के यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया गया है। ऑप्शन ए इट हेल्प्स टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट, ऑप्शन बी इट कन्फर्म्स दैट डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन सी इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इन क्वेश्चन इज डोमिनेंट आर रिसेसिव एंड ऑप्शन डी इट कन्फर्म्स दैट द ट्रेट इज लिंक टू वन ऑफ द ऑटोसोम। क्वेश्चन नंबर 26 इन आवर सोसाइटी वुमन आर ब्लेम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चिल्ड्रेन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। हमारे समाज में औरतों को फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द वुमन, ऑप्शन बी ड्यू टू सम डिफेक्ट लाइक स्पर्मिया इन मैन, ऑप्शन सी ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पार्टिकुलर स्पर्म विच फर्टिलाइज द एग एंड ऑप्शन डी ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ द एग। क्वेश्चन नंबर 27 डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमंस इज ड्यू टू, ह्यूमंस में डाउन सिंड्रोम क्यों होता है। ऑप्शन ए 2Y क्रोमोजोम्स, ऑप्शन बी 3X क्रोमोजोम, ऑप्शन सी 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोजोम 21 एंड ऑप्शन डी मोनोसोमी। क्वेश्चन नंबर 28 फ्रूट कलर इन स्क्वाश इज एन एग्जांपल, आप स्क्वाश में जो फ्रूट का कलर होता है किसका एग्जांपल है। ऑप्शन ए रिसेसिव एपिस्टेटिस, ऑप्शन बी डोमिनेंट एपिस्टेटिस, ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एंड ऑप्शन डी इनहिबिटरी जीन्स। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरिज अ वुमन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर। एक आदमी जिसके पिता कलर ब्लाइंड थे उसने एक औरत से शादी की जिसकी माँ कलर ब्लाइंड थी बट पिता नॉर्मल थे। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड, इस कपल का अगर मेल चिल्ड्रन होता है तो कितना परसेंटेज होगा कलर ब्लाइंडनेस का। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 0%, ऑप्शन सी 50% एंड ऑप्शन डी 75%। 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स 360 बिलोंग टू जीनोटाइप ए ए, 482 कैपिटल ए स्मॉल ए एंड द रिमेनिंग 162 स्मॉल ए स्मॉल ए। बेस्ड ऑन दिस डाटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कैपिटल ए इन द पॉपुलेशन इज, इस डाटा के आधार पर कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी कितना होगा पॉपुलेशन में। ऑप्शन ए 0.4, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 0.6 एंड ऑप्शन डी 0.7। 2014 में आया है। क्वेश्चन नंबर 31 अ ह्यूमन फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम, अगर कोई ह्यूमन फीमेल है जिसको टर्नर सिंड्रोम हुआ है तो ऑप्शन क्या होगा। ए हैज 45 क्रोमोजोम्स विथ एक्सो, ऑप्शन बी हैज 1 एडिशनल एक्स क्रोमोजोम, ऑप्शन सी एग्जिबिट्स मेल कैरेक्टर्स एंड ऑप्शन डी इज एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन विथ नॉर्मल हस्बैंड। 2014 में पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट्स वे आर स्टडीड बाई मेंडल इन हीज एक्सपेरिमेंट। मेंडल के द्वारा उनके एक्सपेरिमेंट में कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडीज की गई थी? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 33, विच इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन होने का सबसे कौन सामान्य तरीका है? ऑप्शन ए क्रोमोजोमल एबरेशंस, ऑप्शन बी जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी रिकम्बिनेशन एंड ऑप्शन डी ट्रांसडक्शन। क्वेश्चन नंबर 34, एलील्स आर ए ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगोट्स, बी डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ ए जीन, सी हेटरोजाइगोट्स एंड डी डिफरेंट फिनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 35, इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स मेंडल डिड नॉट यूज, ठीक है, अपने मेंडल का जो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट्स उसमें उन्होंने किसका इस्तेमाल नहीं किया था? ऑप्शन ए पॉड लेंथ, ऑप्शन बी सीड शेप एंड ऑप्शन सी फ्लावर पोजिशन, ऑप्शन डी सीड कलर। आंसर आपको देना है, ईमानदारी से आंसर दीजिएगा, चीटिंग मत करिएगा, मैं लास्ट में आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 36, इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। इस तरह की जो ह्यूमन का पेडिग्री होता है फील्ड सिंबल्स क्या बताते हैं कि यह इंडिविजुअल क्या है अफेक्टेड है, तो गिवन पेडिग्री को पहचानी है। ऑप्शन ए यक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑप्शन बी ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑप्शन सी यक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड ऑप्शन डी ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 37, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ वुमन विथ नॉर्मल साइट हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन हर फैमिली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंडसन बीइंग कलर ब्लाइंड। एक कलर ब्लाइंड मैन एक वुमन से शादी करता है नॉर्मल मैन से, जिसके इतिहास में मतलब फैमिली के जेनेटिक हिस्ट्री में कोई भी कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित नहीं रहा है, तो अगर उनका ग्रैंडसन होगा इस कपल का तो उसके कलर ब्लाइंडनेस होने का चांसेस कितना होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी 0.25 एंड ऑप्शन डी 0.5। क्वेश्चन नंबर 38, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरिज अ वुमन विथ ब्लड ग्रुप बी, व्हाट आर ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स। एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और उसने जिस औरत से शादी की उसका भी ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, इन ब्लड ग्रुप्स का कि ऑफस्प्रिंग का पॉसिबल हो कितना होगा, कौन कौन से ब्लड ग्रुप बन सकते हैं? ऑप्शन ए बी एंड ए बी ओनली, ऑप्शन बी ए बी ए बी एंड ओ, ऑप्शन सी ओ ओनली एंड ऑप्शन डी ए एंड बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 39, मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट, मल्टीपल एलील कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ए एट डिफरेंट लोकाई अंदर सेम क्रोमोजोम, ठीक है, एक ही क्रोमोजोम के अलग लोकाई पे, ठीक है, ऑप्शन बी एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोजोम, ऑप्शन सी ऑन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड ऑप्शन डी ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम्स। क्वेश्चन नंबर 40, 2014 में पूछा गया है, एन एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी विथ ट्रिपल एक्स सेक्स क्रोमोजोम वॉज बॉर्न ड्यू टू। एक एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी है जिसमें ट्रिपल एक्स सेक्स क्रोमोजोम है, उसका जन्म क्यों हुआ, किस कारण हुआ? ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन द मदर, ऑप्शन बी फ्यूजन ऑफ टू ओवा एंड वन स्पर्म, ऑप्शन सी फ्यूजन ऑफ टू स्पर्म्स एंड वन ओवम एंड ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म्स इन द फादर। क्वेश्चन नंबर 41, अ प्लियोट्रॉपिक जीन, ऑप्शन ए इज अ जीन इवॉल्व ड्यूरिंग प्लियोसिन, ऑप्शन बी कंट्रोल्स अ ट्रेट ओनली इन कम्बिनेशन विथ अनदर जीन, ऑप्शन सी कंट्रोल्स मल्टीपल ट्रेट्स इन प्रिमिटिव इन एन इंडिविजुअल, ऑप्शन डी इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन प्रिमिटिव प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 42, अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस एज, एक जीन जो कोडोमिनेंस शो कर रहा है उसमें क्या होगा? ऑप्शन ए एलील्स टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोजोम, ऑप्शन बी एलील्स दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, ऑप्शन सी बोथ एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेटरोजाइगोट एंड ऑप्शन डी वन एलील डोमिनेंट ऑन द अदर। क्वेश्चन नंबर 43, द टर्म लिंकेज वॉज क्वाइंड बाई, लिंकेज टर्म को किसने दिया था? ऑप्शन ए टी बोवेरी, ऑप्शन बी जी मेंडल, ऑप्शन सी डब्ल्यू सटन एंड ऑप्शन डी टी एच मॉर्गन। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44, विच आर द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स हेमोफीलिया, ऑप्शन ए रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, ऑप्शन बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, ऑप्शन सी क्रोमोजोमल डिसऑर्डर एंड ऑप्शन डी डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 45, अ टाल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ अ
dwarf true breeding garden pea plant. When the apple plants were shelved, the resulting genotypes were in the ratio of option A 1:2:1, तो टाल होमोजाइगस, टाल हेटरोजाइगस, फिर ड्वार्फ. 1:2:1, टाल हेटरोजाइगस, टाल होमोजाइगस, ड्वार्फ. 3:1, टाल रेशियो ड्वार्फ. 3:1, ड्वार्फ रेशियो टाल. क्वेश्चन नंबर 46. मैच द टर्म्स इन कॉलम फर्स्ट विद दियर डिस्क्रिप्शन इन कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. कॉलम फर्स्ट डोमिनेंस, कॉलम सेकंड मेनी जीन्स गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर. ऑप्शन बी बी को डोमिनेंस, कॉलम सेकंड इन अ हेटरोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ. सी प्लियोट्रॉपी. और थर्ड कॉलम सेकंड में थर्ड है इन अ हेटरोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्फ फुली. डी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. और कॉलम सेकंड अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर्स. अब देखते हैं कि ऑप्शन ए है ए के लिए सेकंड, बी के लिए फर्स्ट, सी के लिए फोर्थ एंड डी के लिए थर्ड. ऑप्शन बी में ए के लिए सेकंड, बी के लिए थर्ड, सी के लिए फोर्थ एंड डी के लिए फर्स्ट. ऑप्शन सी ए के लिए फोर्थ, बी के लिए फर्स्ट, सी के लिए सेकंड, डी के लिए थर्ड. ऑप्शन डी ए के लिए फोर्थ, बी के लिए थर्ड, सी के लिए फर्स्ट एंड डी के लिए सेकंड. क्वेश्चन नंबर 47. पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. पहला है हेमोफिलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. दूसरा है डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉयडी. तीसरा है फिनाइल किटोनोरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर. ऑप्शन स्टेटमेंट फोर है सिकल सेल एनीमिया इज ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर. ऑप्शन ए है 1 and 4 आर करेक्ट, बी है 2 and 4 आर करेक्ट, सी है 1, 3 and 4 आर करेक्ट, डी है 1, 2 and 3 आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 48. इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाई हाइब्रिड फ्लाइज मोर पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग वेयर प्रोड्यूस्ड देन द रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग. दिस इंडिकेट यह किसे दर्शाता है. ऑप्शन ए द टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन टू डिफरेंट क्रोमोजोम्स. ऑप्शन बी क्रोमोजोम्स फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियासिस. ऑप्शन सी द टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम. ऑप्शन डी बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन. क्वेश्चन 49. अ सेल एट टेलोफेज स्टेज इज ऑब्जर्व्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ प्लांट ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड. ही टेल्स हिज टीचर दैट दिस सेल इज नॉट लाइक अदर सेल्स एट टेलोफेज स्टेज. देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट and thus the cell is containing more number of chromosomes as compared to other dividing cells. This would result in. तो कहना चाहता है कि एक सेल को टेलोफेज स्टेज पे ऑब्जर्व किया जा रहा था एक स्टूडेंट के द्वारा. उसने एक सेल से एक सेल को ले आया, ठीक है, प्लांट के सेल को. उसने फिर टीचर को बताया कि सर जो सेल है वह दूसरे सेल्स जो होते हैं टेलोफेज स्टेज में उनकी तरह नहीं है. यहाँ पे न तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ है, न तो सेल में क्या है, और इस सेल में दूसरे सेल्स की अपेक्षा नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या है, ज़्यादा है. ये इसका परिणाम क्या होगा. ऑप्शन ए है एनीप्लॉयडी, ऑप्शन बी है पॉलीप्लॉयडी, ऑप्शन सी है सोमाक्लोनल वेरिएशन एंड ऑप्शन डी है पॉलीटेनी. क्वेश्चन नंबर 50. थैलेसेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया जो बीमारियाँ हैं एक ग्लोबिन मॉलिक्यूल के निर्माण में जब प्रॉब्लम आती है तभी होती हैं. तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑप्शन ए बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन सिंथेसिस. ऑप्शन बी थैलेसेमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल. ऑप्शन सी है सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स एंड ऑप्शन डी बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन सिंथेसिस. क्वेश्चन नंबर 51. द जीनोटाइप्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर IAIB एंड IAI. एमंग द ब्लड टाइप्स ऑफ देयर चिल्ड्रेन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल. दो हस्बैंड वाइफ हैं जिनका जीनोटाइप है IAIB एंड IAI. उनके बच्चों में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा. ऑप्शन ए 3 genotypes, 4 phenotypes. ऑप्शन बी 4 genotypes, 3 phenotypes. ऑप्शन सी 4 genotypes, 4 phenotypes एंड ऑप्शन डी 3 genotypes, 3 phenotypes. 2017 में पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 52. अ डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिस्ट्रक्शन इज. एक डिजीज है जो कि ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है उसे क्या कहते हैं. ऑप्शन ए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन बी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन सी सिकल सेल एनीमिया एंड ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम. 2017 में ही पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 53. एमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विच वन वाज नॉट कंसीडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी. मेंडल का जो पी पे एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने इन सभी कैरेक्टर में किसको शामिल नहीं किया था. 2017 में पूछा गया है. ऑप्शन ए ट्राइकोम्स, ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर. ऑप्शन बी सीड ग्रीन और येलो. ऑप्शन सी
पॉड इन्फ्लेटेड आर कंस्ट्रक्टेड एंड ऑप्शन डी स्टेम टाल आर डॉर्फ। क्वेश्चन नंबर 54, विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड फॉर मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। नीचे जो समय का टाइम पीरियड दिया गया है इनमें से किस समय पर मेंडल ने अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, 2017 पूछा गया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ऑप्शन ए 1840 से 1850, ऑप्शन बी 1857 से 1869, ऑप्शन सी 1870 से 1877 एंड ऑप्शन डी 1856 से 1863। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 54 क्वेश्चन देखे, अब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं आंसर, पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरे का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तीसरे का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चौथे का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। पांचवें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। पूरा सोल्यूशन अच्छे से दिया गया है, आप देख सकते हैं इसे, हम देखेंगे 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 24 का करेक्ट आंसर है सी, 25 का करेक्ट आंसर है बी, 26 का करेक्ट आंसर है सी, 27 का करेक्ट आंसर है सी, 28 का करेक्ट आंसर है बी, 29 का करेक्ट आंसर है सी, 30 का करेक्ट आंसर है सी, 31 का करेक्ट आंसर है ए, 32 का करेक्ट आंसर है सी, 33 का करेक्ट आंसर है सी, 34 का करेक्ट आंसर है बी, 35 का करेक्ट आंसर है ए, 36 का करेक्ट आंसर है बी, 37 का करेक्ट आंसर है सी, 38 का करेक्ट आंसर है बी, 39 का करेक्ट आंसर है बी, 40 का करेक्ट आंसर है ए, 41 का करेक्ट आंसर है सी, 42 का करेक्ट आंसर है सी, 43 का करेक्ट आंसर है डी, 44 का करेक्ट आंसर है बी, 45 का करेक्ट आंसर है ए, 46 का करेक्ट आंसर है बी, 47 का करेक्ट आंसर है डी, 48 का करेक्ट आंसर है सी, 49 का करेक्ट आंसर है बी, 50 का करेक्ट आंसर है बी, 51 का करेक्ट आंसर है बी, 52 का करेक्ट आंसर है डी, 53 का करेक्ट आंसर है ए एंड 54 का करेक्ट आंसर है डी। और यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है कि एनसीईआरटी से है, ठीक है, देख रहे हैं जहाँ पे है एनसीईआरटी के बारे में लिख दिया है। तो दोस्तों हमारा वीडियो खत्म हुआ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करें। अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है या आप चाहते हैं कि हम वीडियो में और इम्प्रूवमेंट करें और कुछ आपको नया चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों से शेयर ना करें करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक्स अगेन, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।